गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और अभी मॉर्निंग हो चुका है और अभी बज रहे हैं 9 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है। और अभी चलते हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी चाय पी के आएंगे, उसके बाद खाना वगैरह बनाएंगे, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगता है मैं जब भी जागता हूँ तब। और आज क्लास है या नहीं है ये मुझे भी नहीं मालूम है, ग्रुप में मैसेज आएगा तो पता चलेगा आज क्लास है या नहीं है। तो फिलहाल वो तो बात की बात है, फिलहाल चलता हूँ चाय पीने के लिए। बने रहिए ब्लॉग के साथ, आपको चाय पिलाता हूँ गर्मा गर्म। चलिए, धूप देख रहे हो गाइस, इतना तगड़ा धूप किया हुआ है, फ़ोन भी काम नहीं करता इतना तगड़ा धूप में। हमारा इंतज़ार कर रहा है, क्या रे क्या क्या डर के भाग गया? नहीं भाग गया, अरे ये भी धोखा दे दिया, दोनों धोखा दे दिया। गाइस बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा था, इसलिए चिल्ड पानी खरीद लिया, खरीदा नहीं हूँ लेकर आ रहा हूँ फ्रिज में से निकाल के। अभी इस पानी को पिएंगे रूम पे जाके पहले, तो उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाएंगे, देखते हैं क्या खाना बनाते हैं। क्लास है नहीं है ये भी अभी तक पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कब मैसेज आएगा, ग्रुप में मैसेज आता है तो पता चल जाता है, अभी आया नहीं है। वाह, हनुमान चालीसा चौपाई है। सो गाइस हालत हो गया बहुत ख़राब, अभी रूम पे आ चुका हूँ और अभी जाऊँगा खाना बनाने के लिए, बैंगन आलू की सब्जी चावल बनाएंगे, इस वजह से चलते बनाने के लिए, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है। सो गाइस गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने टैंक बना लिया, ये देखो ये मैंगो फ्लेवर टैंक है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, तो चलिए इसको पीते हैं और गर्मी से छुटकारा पाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और ये पानी मैं बाहर से लाया था ठंडा पानी, चिल्ड पानी, तो उसी में मैं ये टैंक में ला कर पी रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत गर्मी कम लगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। सो गाइस इधर हमारा सब्ज़ी बनकर लगभग रेडी हो चुका है, ये देखो अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, सेंट भी बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है। तो अभी इसमें पानी डालेंगे और इसकी ग्रेवी बनाएंगे और उसके बाद फिर ये सब्ज़ी हो जाएगा। चावल मैंने बना रखा है पहले से ही, तो चलिए बना के फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस इधर हमारा रहा चावल और सब्ज़ी, है देखो ये बैंगन आलू की सब्ज़ी है जो कि बहुत ख़तरनाक लग रही है, इसमें मैंने लहसुन और अदरक नहीं डाला, बाकी सब कुछ डाल दिया था, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी में भूल गया था। तो ये सब फिर भी उसके बावजूद भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, मैंने टेस्ट भी किया था तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए इसको खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई, मिलते हैं आपसे खाने के बाद। सो गाइस अभी खाना वगैरह हो गया और अभी बस बैठा हुआ हूँ, और आज तो क्लास है नहीं, अचानक से मैसेज आया कि नो क्लास टुडे, तो आज क्लास है नहीं, ऐसे ही बैठना पड़ेगा आज का दिन, बोर बोर बोर। क्लास रहता तो थोड़ा बिजी रहता, शेड्यूल रहता है तो थोड़ा अच्छा भी रहता है। ठीक है अब आराम से मैं सोऊंगा, खाना वगैरह हो गया है, बर्तन वगैरह शाम में उठूँगा तो फिर धोऊँगा, अभी मैं सोने जा रहा हूँ और ब्लॉग मैं शाम से शूट करूँगा। तो ठीक है मिलते हैं आपसे सीधा सोने के बाद। तो गाइस मुझे थोड़ा बहुत नींद आ गया था और इस वजह से मैं थोड़ा देर सो गया था, और अभी सोया तो उठा तो मुझे भूख भी बहुत ज़ोरों से लग रही है और चाय भी पीना है, चलते हैं बाहर चाय पीने के लिए, उसके बाद फिर कुछ सब्जी वगैरह भी ले लेंगे, हैंड वॉश ख़त्म हो गया, हैंड वॉश भी लेना है, दो तीन काम है। तो चलिए पहले कुछ खाएँगे उसके बाद फिर पियेंगे क्या, हाँ चाय पियेंगे उसके बाद हैंड वॉश लाएँगे, तो वो ये सब करना है, तो अभी चलते हैं। मेरा तो मन समोसा खाने का कर रहा है, सोच के मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है मिलता हूँ आपसे सीधे रास्ते में। बताओ ये तो रात हो गया, मुझे लगा शाम हुआ होगा, अरे भाई साहब इतना देर सो दिया मैंने, कोई बात नहीं चलते हैं दौड़कर और काम निपटा कर सीधा रूम पे आएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं शायद गाइस यहाँ मिल जाएगा हैंड वॉश, देखता हूँ मिल जाना तो चाहिए। और ये है हमारे भैया, देखो इनसे चमक रहे हैं ये, और अभी निकालेंगे सब्जी, हमें तो लगा आज बंद है मगर नहीं, सही है। क्या क्या है भैया सब्जी में चाहिए? चाहिए तो मेरे को क्या बोलता है, क्या बोलता है, भिंडी चाहिए, या भिंडी दे दो या फिर परवल दे दो, पटल
मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। देखो गाइस ये सब सारे फ्रेश फ्रेश सब्जी लाकर भैया रख रहे हैं। लाइक कर रहे हैं ये आपको ना यूट्यूब पे आएंगे। यूट्यूब पे? हाँ। अरे बाप रे बाप, आपको हम वायरल कर देंगे। वायरल कर देगा? ये पता नहीं गाइस, मुझे भी नहीं मालूम था ये क्या होता है, मगर बाद में बताया इन्होंने कि ये बड़ी होता है जो कि इसका सब्जी बनता है। तो ये भी यहाँ पे बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो सीखना पड़ेगा मेरे को। ये क्या, ये क्या है? आम है? ये क्या है? बोलो तो क्या है? शिमला मिर्च। ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? ये तो शिमला मिर्च है। ये क्या है? पपीता इसको बोलते हैं, पपीता। अरे भाई साहब, पपीता तो हम खाते हैं मगर ऐसा पपीता नहीं देखे। पपीता। ओ देखता हूँ क्या लेता हूँ। सभी रोटी ले लिया हूँ और घर जा रहा हूँ, सब्जी तो है ही, तो रोटी सब्जी खाऊंगा फिर सो जाऊंगा। तो जाता हूँ घर जल्दी से क्योंकि बाहर गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा। सो गाइस अभी मैं रूम पे आ चुका हूँ और अभी सब कुछ तो ले लिया, खाना भी ले ही लिया, तो अभी थोड़ा देर में रेस्ट करता हूँ 10-15 मिनट। उसके बाद हवा में बैठने के बाद फिर जाऊँगा बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बर्तन है अगर अभी नहीं धोया तो सुबह में जल्दी घाई घाई में धो नहीं पाऊँगा, और नल भी बहुत बिजी होता है, इस वजह से अभी जाके धो लेता हूँ थोड़ा देर में, उसके बाद फिर आपसे खाने पे मिलते हैं, ठीक है? अभी चलिए चलते हैं। और मैंने समोसा भी लाया है। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा भूख लगा होता है, इस वजह से मैं 2 समोसा ले आया जो कि अच्छी दुकान का है, मगर मतलब क्या बोलो, बहुत दूर से मैं इसको लेकर आया था क्योंकि मैं वहाँ खाया हुआ था पहले, तो बहुत ही ज़्यादा उनका टेस्टी रहता है समोसा, इस वजह से मैं लेकर आया था। आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा ठंडा हो गया मगर कोई बात नहीं। देखो कैसा है, देखो कितना अच्छा सा समोसा है। इसके अंदर जो आलू है ना वो पूरा इतना फ्राई किया रहता है ना कि हल्का काला काला डार्क टाइप का दिखता है, तो इस वजह से समोसा का और टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो ये चलिए खा लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। चलिए, लिक्विड हैंड वॉश मिला नहीं तो ये पाउडर वाला था, तो उन्होंने बोला पाउडर वाला ले लो, तो सोचा देखता हूँ एक बार ट्राई करके कैसा होता है ये। कभी मैं इसको यूज़ किया नहीं हूँ मगर फिर भी देखता हूँ, कहीं पे 2-3 दुकान में मैंने खोजा था, हैंड वॉश मिला नहीं मुझे, ठीक है? तो अभी इसको यूज़ करते हैं, डालते हैं उसमें। और इधर कल के लिए पटल ले लिया है, पटल और लंका है इसके अंदर, तो पटल बनाएंगे कल, इस वजह से पटल ले लिया। सो गाइस अभी चलते हैं खाना खाने के लिए क्योंकि 10:30 बज चुका है, तो अभी चलते हैं खाना खाने के लिए। खाना में वही रोटी और बैंगन आलू की सब्जी, तो चलिए खाते हैं उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। दिखाता हूँ पहले कैसा सब्जी लग रहा है। गाइस ये रहा हमारा सब्जी और ये रहा रोटी। रोटी कुछ ज़्यादा सूखा सूखा लग रहा है ना, वो इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैं बहुत पहले ही लेकर आ गया था, अभी से ठीक 1.5-2 घंटे पहले ही तब से ला के रखा हुआ है, और ये सब्ज़ी तो मेरा ख़तरनाक लग ही रहा है। तो चलिए खा लेते हैं उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि भूख तो लगेगा ही ना, बहुत ही मुश्किल से खाना मिलता है। सो गाइस अभी खाना वगैरह हो गया और बर्तन वगैरह भी धो लिया, अभी चलते हैं सोने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, आप देख सकते हो आँखें बंद हो रही है। तो अभी खाना वगैरह हो गया है, बर्तन वगैरह भी धो लिया, अभी जाते हैं सोने के लिए। कल पढ़ाई करूँगा, कल पता नहीं क्लास है कि नहीं है, इसे ग्रुप में मैसेज करेंगे फिर देखते हैं। अगर कल भी रात हो हालत तो बहुत ख़राब हो जाएगी क्योंकि लगातार क्लास होए जा रहा है, ठीक है? तो मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, और ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में,